स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल. नाउ टुडे वी लर्न अबाउट स्टैंडर्ड टू इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 10. एडवर्ब्स. एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण. तो एडवर्ब्स किससे कहते हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? एड प्लस वर्ब्स. तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स. तो हम यहाँ पे क्या कहा है? वर्ब्स. वर्ब्स किससे कहते हैं? मैंने आपको बताया था आगे कि कोई भी सेंटेंस दिया, उसमें किसी कोई पर्सन, चीज या फिर एनिमल का नाम दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब्स. तो यहाँ पे क्या दिया है? एडवर्ब्स. तो वर्ब्स में हम कुछ मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब. तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या दी है? एन एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. यानी कि यहाँ पे बताया है कि एडवर्ब किससे कहते हैं? कि वो वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब कि कोई एक्शन यानी कि कोई क्रिया हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, वो वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब्स. जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? एन एडवर्ब्स टेल अस हाउ When and where something is done. यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि ये जो adverbs किससे कहते हैं? कि कब, कैसे और कहाँ पे हो रहा है. How यानी कि कैसे, when यानी कि कब होने वाला है और where यानी कि कहाँ पे होने वाला है, वो हमें कुछ done करके दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? Adverbs. तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं adverbs of manner. तो adverbs किससे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? Mike runs slowly. यहाँ पे क्या लिखा है? माइक रन स्लोली. तो जो माइक है वो रन यानी कि दौड़ रहा है और स्लोली यानी कि वो धीरे से दौड़ रहा है. तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? रन यानी कि दौड़ना. तो वो कैसे दौड़ रहा है? हाउ यानी कि कैसे दौड़ रहा है? स्लोली से दौड़ रहा है. तो यहाँ पे लिख के दिया है हाउ यानी कि कैसे दौड़ रहा है वो माइक? स्लोली से दौड़ रहा है. तो स्लोली क्या हुआ इसमें? एडवर्ब. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस. यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर इससे कहते हैं कि जो हमें बताता है कि कोई भी क्रिया हाउ यानी कि कैसे और कहाँ पे होने वाली है वो बताता हो तो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे कि यहाँ पे लिखा है एन एडवर्ब इज मेड बाय एडिंग ly टू द वर्ब और एडजेक्टिव. तो हम वर्ब और एडजेक्टिव में ly मिला देंगे, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव में ly ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब. तो यहाँ पे हम और भी बता देते हैं. मैंने आपको आगे बताया था आगे के चैप्टर में कि वर्ब किससे कहते हैं? कि कोई भी सेंटेंस में कोई पर्सन, एनिमल या फिर कोई थिंग्स दिए हो, कोई चीज़ दी हो तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब. एंड एडजेक्टिव किससे कहते हैं? कि कैसे, किसको आप मिलने जाते हो तो आप कहते हो ना कि ये छोटा है, ये लंबा है, ये फिर मोटा सा है, ये पतला सा है, ये बहुत बोरिंग है, ये फिर बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जो आप कमेंट्स मारते हो तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव यानी कि कोई भी वर्ड्स को यूज़ करके आप डिस्क्राइब करते हो या फिर मॉडिफाई यानी कि उसकी तारीफ़ करते हो या फिर बुराई करते हो नाउन या फिर प्रोनाउन में, तो उसके क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. तो प्रोनाउन यानी कि किसी भी चीज़ का नाम पता हो, किसी की चीज़ का नाम दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन. तो यहाँ पे हमें एडवर्ब में क्या दिया है? कि आप वर्ब या फिर एडजेक्टिव में ly ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब. तो हम ऐसे ही एक एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर ए. मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताया है? कि जो हमें लास्ट में वर्ड दिए हैं उसका एडवर्ब बना के हमें सेंटेंस में लिख के कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट क्या दिया है? द बॉय इज राइटिंग. यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है वो लिख रहा है. राइटिंग यानी कि लिख रहा है. तो यहाँ पे वो कैसे लिख रहा है? यहाँ पे वर्ड दिया है नीट. नीट यानी कि क्लीन. तो वो यहाँ पे क्या लिखा है? नीट. नीट यानी कि वो नीटली. यहाँ पे क्या उसके साथ क्या यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? नीट दिया है. तो उसके साथ ly बनाएंगे यानी कि ly ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब नीटली. द बॉय इज राइटिंग नीटली. यानी कि जो बॉय है वो क्लियरली लिख रहा है. तो देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल इज क्राइंग. यहाँ पे जो लड़की है वो रो रही है. तो यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? लाउड. लाउड यानी कि जोर से रो रही है. तो उसके साथ ly लगाएंगे तो एडवर्ब क्या बन जाएगा? लाउडली.
तो सेंटेंस क्या हुआ, द गर्ल इज क्राइंग लाउडली, तो जो लड़की है वो जोर जोर से रो रही है, तो यहाँ पे लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब। हमने आगे सेंटेंस में क्या देखा, नेटली, नेटली यानी कि क्लीन से लिखना, तो नेटली क्या हुआ, एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब। देन थर्ड सेंटेंस इज द सन इज शाइनिंग, तो जो सन है वो चमक रहा है, तो यहाँ पे वो सन है वो कैसे चमकता है, ब्राइट, ब्राइट यानी कि तेजी से, तो ब्राइट के साथ ly लगाएंगे तो क्या एडवर्ब बन जाएगा, ब्राइटली। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राइटली, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी कि जो सन है वो बहुत शाइनिंग यानी कि बहुत तेजी से चमक रहा है, तो यहाँ पे ब्राइटली क्या हुआ, एडवर्ब। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज मदर इज क्निटिंग, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, पेटिएंट, पेटिएंट यानी कि धैर्य से यानी कि ध्यान से बनाना, यहाँ पे क्निटिंग यानी कि आपकी जो मम्मा है, अब भी विंटर सीजन चल रहा है तो उसमें जो आपके लिए स्वेटर बुनती है यानी कि बुनाई करती है तो उसको क्या कहते हैं, क्निटिंग। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, मदर इज क्निटिंग, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, पेटिएंट, तो यहाँ पे उसके साथ ly लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेटिएंटली यानी कि धैर्य पूर्वक से यानी कि ध्यान से जो मम्मा है वो क्निटिंग कर रही है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हुआ, पेटिएंटली यानी कि धैर्य पूर्वक से जोड़ना। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द नाइफ, द थीफ इज स्टीलिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाइट, क्वाइट यानी कि चुपचाप से, थीफ यानी कि चोर और स्टीलिंग यानी कि चोरी करना, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो चोर है वो कैसे चोरी करते हैं, क्वाइट, क्वाइट यानी कि चुप रह के, तो क्वाइट के साथ ly लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाइटली, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हुआ, क्वाइटली, तो जो चोर है वो शांति से चुपचाप से चोरी करते हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल इज ईटिंग, जो लड़की है वो खाना खा रही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, हंग्री, हंग्री यानी कि भूखा रहना, तो यहाँ पे वो बहुत ही भूखी है, तो उसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हंग्री, तो यहाँ पे उसके साथ एन डबल ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हंग्रीनेस, तो यहाँ पे हंग्रीनेस क्या हुआ, एडवर्ब, तो यहाँ पे हमें हंग्री के साथ एन ई डबल एस जोड़ दिया तो वो क्या हुआ, एडवर्ब, हंग्रीनेस। तो यहाँ पे जो लड़की है वो खाना खा रही है क्योंकि वो बहुत ही उसको भूख लगी है इसलिए वो खाना खा रही है। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्नेल इज मूविंग, तो जो स्नेल है वो कैसे मूव करता है, स्लोली से मूव करता है, तो यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, यहाँ पे वर्ब क्या दिया है, स्लो, स्लो यानी कि धीरे से, तो उसके साथ ly लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोली, तो सेंटेंस क्या हुआ, द स्नेल इज मूविंग स्लोली, तो जो स्नेल है वो स्लोली से मूव करता है, तो यहाँ पे स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब, तो यहाँ पे स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब। The next sentence is the baby is sleeping, यानी कि जो बेबी है वो सो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, सो रहा है, साउंड, साउंड यानी कि आवाज करना, तो यहाँ पे उसके साथ ly लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, soundly, the baby is sleeping soundly, यानी कि जो बेबी है वो जोर जोर से यानी कि सोते हुए जोर जोर से रो रहा है, तो यहाँ पे soundly क्या हुआ, यहाँ पे soundly क्या हुआ, adverb हुआ। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, वो तो कैसे है, वो हैप्पी, हैप्पी यानी कि खुश है, तो उसके साथ ly लगाएंगे तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, हैप्पीली, तो सेंटेंस क्या हुआ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो खुशी से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हैप्पीली क्या हुआ, एडवर्ब। देन नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इज द गर्ल स्पोक सेड, यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, सेड, तो यहाँ पे जो लड़की है वो बोल रही है, सेड यानी कि वो दुखी है, तो यहाँ पे उसके साथ ly लगाएंगे तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, सेडली, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, द गर्ल स्पोक सेडली। तो यहाँ पे ये जो हमने वर्ड देखे जैसे कि नेटली, लाउडली, ब्राइटली, पेटिएंटली, क्वाइटली
हंग्रीली, स्लोली, साउंडली, हैप्पीली एंड सेडली, तो वो सारे क्या हुए? एडवर्ब, क्योंकि हमने वर्ब के साथ ly सारे में ऐड किया तो वो क्या हुआ? एडवर्ब। तो यहाँ पे पता चला कि एडवर्ब क्या होता है। देन नेक्स्ट इज ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी कि यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर पी, रीराइट द सेंटेंस विद द ऑपोजिट वर्ब्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे जो हमें एडवर्ब दिए हैं उनके ऑपोजिट एडवर्ब हमें यहाँ पे लिख के सेंटेंस फिर से लिखना है। तो फर्स्ट क्या दिया है? द विच पार्ट्स काइंडली। तो यहाँ पे kindly का opposite adverb क्या होगा? unkindly। तो sentence क्या हुआ? The weeds pads unkindly। meaning of kindly यानी कि कृपा करना और unkindly यानी कि निर्दयी। तो कुछ लोग दयालु होते हैं और कुछ लोग दयालु नहीं होते हैं। The next sentence is the lady walks slowly। तो यहाँ पे slowly का opposite adverb क्या होगा? fastly। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? स्लोली। तो यहाँ पे स्लो प्लस ly ऐड कर देंगे तो एडवर्ब क्या हो जाएगा? स्लोली। देन स्लोली का ऑपोजिट एडवर्ब क्या होगा? फास्टली। स्लोली यानी कि धीरे से और फास्टली यानी कि तेजी से। द लेडी वॉक स्लोली, तो जो लेडी है वो स्लोली से चल रही है। देन उसका ऑपोजिट वर्ब एडवर्ब क्या होगा? फास्टली यानी कि जो लेडी है वो फास्टली से चल रही है। Then next sentence is the student gave the answer politely। यानी कि यहाँ पे जो student है वो politely, यहाँ पे adverb क्या दिया है? politely। तो यहाँ पे उसका opposite adverb क्या होगा? rudely। तो कुछ student जो होते हैं वो politely इसलिए answer देते हैं और जो student है वो rudely, यानी कि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो रूडली से आंसर देते हैं। तो यहाँ पे पोलाइटली का ऑपोजिट एडवर्ब क्या होगा? रूडली। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द वाइन ब्लो सॉफ्टली ऑन माय हेयर। तो यहाँ पे सॉफ्टली दिया है एडवर्ब, तो उसका ऑपोजिट एडवर्ब क्या होगा? कोल्डली। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? द वाइन ब्लो कोल्डली ऑन माय हेयर। तो सॉफ्टली यानी कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो, देन कोल्डली यानी कि जो सॉफ्ट नहीं होता है, यानी कि जब हम जो स्टोन को फील करते हैं तो कैसे लगता है उसको क्या कहते हैं? कोल्डली। तो यहाँ पे उसका सेंटेंस क्या बनेगा? द वाइंड ब्लो कोल्डली ऑन माय हेयर। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट सोल्जर फाइट्स ब्रेवली। यानी कि जो सोल्जर है वो ब्रेव से यानी कि बहादुरी से फाइट करते हैं। देन उसका ऑपोजिट एडवर्ब क्या होगा? स्ट्रांगली। दैट सोल्जर फाइट स्ट्रांगली। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द मैन स्पीक वाइजली टू अस। यानी कि वाइजली यानी कि समझदारी से, तो ये जो मैन है वो समझदारी से बात करता है। तो वाइजली का ऑपोजिट एडवर्ब क्या होगा? फुलिशली। फुलिशली यानी कि मूर्खता से, तो उसका सेंटेंस क्या बनेगा? ऑपोजिट सेंटेंस द मैन स्पीक फुलिशली टू अस। यानी कि ये जो मैन है वो मूर्खता से बात करता है। तो यहाँ पे हमने देखे कि यहाँ पे जो हमने एडवर्ब दिए थे उसका ऑपोजिट एडवर्ब हमें लिख के सेंटेंस फिर से लिखना है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस किससे कहते हैं? वी विल गो टू लंडन नेक्स्ट वीक। यानी कि हम लोग नेक्स्ट वीक लंडन जाने वाले हैं। तो आप कब जाने वाले हैं? वेन, यानी कि आप कब जाने वाले हैं? हम लोग नेक्स्ट वीक लंडन जाने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक क्या हुआ? टाइम हुआ, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो आप कब जाने वाले हो? नेक्स्ट वीक जाने वाले हो, तो वो क्या हुआ? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एज एक्शन टेक प्लेस। यानी कि यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो बताता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो और कब जाने वाले हो वो बताता हो, तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट क्या लिखा है? ही इज सिटिंग देयर, यानी कि वो यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे कहाँ पे बैठा है? तो कहाँ पे बैठा है? वेयर यानी कि कहाँ पे बैठा है? देयर यानी कि यहाँ पे बैठा है।
तो कहीं जगह पे ही बैठा होगा, तो क्या लिखा है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस किससे कहते हैं, टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस इससे कहते हैं कि जो हमें बताता हो कि आप कहाँ पे जाने वाले हो उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज नंबर सी देखते हैं, रीड एंड राइट डाउन व्हेन और वेयर ऑफ फॉर द अंडरलाइन वर्ड इंडिकेट द टाइप ऑफ एडवर्ब, यानी कि हम यहाँ पे सेंटेंस में जिसके नीचे अंडरलाइन दी है उसको हमें देख के पता करना है कि व्हेन या फिर वेयर कब, यानी कि सेंटेंस यानी कि उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो हमें देख के उसमें एडवर्ब में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, राजा विल कम लेट, यानी कि जो राजा है वो लेट आने वाला है। कब आने वाला है, बड़ी देर से आने वाला है, तो वो कई टाइम हुआ, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हेन, व्हेन यानी कि कब आने वाला है, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही हमें आगे के सेंटेंस भी देखने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज मिक्की कैन कम टुडे, तो मिक्की है वो आज आने वाला है। टुडे यानी कि कब आने वाला है, तो उसमें क्या होगा, किसके नीचे अंडरलाइन दी है, टुडे, तो वो क्या हुआ, कब आने वाला है, आज आने वाला है, तो उसको क्या होगा, व्हेन। देन वो क्या हुआ, टाइम हुआ, तो उसमें क्या लिखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉक्स इज केप्ट अप ऑन द सेल्फ, यानी कि ये जो बॉक्स है वो सेल्फ के ऊपर है, तो कहाँ पे है, ऊपर है, तो कहाँ पे है, उसके लिए क्या लिखेंगे, वेयर, और वो क्या हुआ, प्लेस, यानी कि किसी के ऊपर है, यानी कि किसी के ऊपर की जगह पे है, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल विजिट यू सून, यानी कि मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आऊँगा, तो किसी को मिलने जाने की बात है, तो आप कहीं ना कहीं तो मिलोगे, तो आप कहाँ पे मिलने हो, आप कहाँ पे मिलेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, वेयर, तो वो क्या हुआ, किसी प्लेस की बात हुई, तो आप कहीं जगह पे उसे मिलोगे, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज ही गोन आउट, यानी कि वो यहाँ से जाने वाला है, तो कहीं पे जाने की बात है, आउट यानी कि जाने की बात है, तो कहाँ पे जाने की बात है, इसलिए क्या होगा, वेयर, आउट के नीचे अंडरलाइन दी है, तो कहाँ पे जाने वाला है, इसके लिए वेयर। देन वो क्या हुआ, प्लेस, कहीं पे जाने वाला है, तो उसके लिए क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देन लास्ट सेंटेंस इज द डॉग इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, तो यहाँ पे जो डॉग है वो बास्केट के इनसाइड यानी कि अंदर बैठा है, तो किसके नीचे अंडरलाइन दी है, इनसाइड यानी कि वो अंदर बैठा है, कहाँ पे बैठा है, अंदर बैठा है, तो वो क्या हुआ, वेयर। देन वो किसी प्लेस की बात हुई, क्यों, क्योंकि वो बास्केट के अंदर बैठा है, वो कोई जगह हुई, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमने यहाँ पे देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम किससे कहते हैं, कि आप किसी को कब मिलने वाले हो या फिर कहाँ पे जाने वाले हो या फिर कब मिलने वाले हो, जैसे कि आज मिलने वाले हैं, लास्ट वीक मिलने वाले हैं, कल मिलने वाले हैं, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। देन आप किसको कहाँ पे मिलने वाले हो, किसी प्लेस की बात की हो, तो वो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस किससे कहते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 10 एडवर्ब किससे कहते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। देन यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।